नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको वो सभी टेक्निक सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज मैं आपको कफ और कॉलर को कैसे चढ़ाया जाता है वो मैं सिखाऊंगा आपको। इसके साथ ही हमारी शर्ट की सिलाई का काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने इस शर्ट की बॉडी बनाई थी, उसके बाद हमने इस पर इंटरलॉक किया है। इंटरलॉक करने के बाद अब हम इसका कफ चढ़ाएंगे और कॉलर, और नीचे घेर की सिलाई मारेंगे। इसको इस तरीके से रखेंगे। और इसको बिल्कुल सीधा काट लेंगे हम सही तरीके से। और काटने के बाद इसको यहाँ मिलाएंगे और इसके सेंटर में कुटका लगाएंगे। इसको फोल्ड करके कुटका नहीं लगाएंगे, इसको खोल के लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद कफ में भी हमें ऐसे ही कुटका लगाना है, इसका सेंटर करके। गुटका लगाने के बाद हमें ये जो इस तरीके से कफ को रख देंगे, बिल्कुल नीचे मार्जिन लूज ना हो, और एक निशान लगाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। ये देख रहे हैं, ये हमने इसको पेन को यहाँ रख के इस तरीके से लाइन खींची है। और अब जो हम सिलाई लगाएंगे वो इस निशान से एक तार अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना ये सिलाई बाहर दिखने लगेगी। ठीक है। अब ये हिस्सा हमारा ऊपर रहेगा, सीधा हिस्सा ऊपर रहेगा, तो हमें इस तरीके से इसको जोड़ना है। ये जो हमने चाक पट्टी बनाई है इसके बिल्कुल बराबर में, ये आगे नहीं निकलना चाहिए ज़रा सा भी, और पीछे भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बराबर लेकर के। और हमें ये जो हमने जो गैप छोड़ा था थोड़ा सा, इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि मशीन इसमें आ जाएगी आराम से। इसके बाद आप इस पर सिलाई लगानी है, एक तार निशान से अंदर ही सिलाई लगानी है। थोड़ी सिलाई लगाने के बाद हमने ये जो कुटका लगाया था, एक तो इसमें लगाया है यहाँ पे, और एक इसमें लगाया है यहाँ पे। इन दोनों कुटकों को आप मिला लेंगे और एक प्लेट डाल देंगे इस तरीके से, एक प्लेट डाल देंगे और सेंटर में कुटके को मिला देंगे।
इस तरीके से हमने इस कुटके को मिलाया है यहाँ से, और एक प्लेट हमें इस साइड में पलटनी है और एक प्लेट इस साइड में पलटनी है। उसके बाद धागों को बिल्कुल हम साफ कर देंगे यहाँ से। ये जो सिलाई हमने मारी है बिल्कुल ये निशान से नीचे लगेगी, बिल्कुल ऊपर नहीं जाए। और फिर इस तरीके से इसको हम मार्जिन को अंदर ले लेंगे और अब इसको ऊपर से सिलाई मारनी है हमें, किनारी पे सिलाई मारेंगे बिल्कुल। हम इस जगह पे सिलाई हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह से बिल्कुल आगे तक आप मशीन को चलाएंगे। उसके बाद में दो सिलाई पीछे ले लेंगे इस तरीके से, और फिर एक पैर की सिलाई इस तरीके से चलाएंगे। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई होनी चाहिए कफ पर और कॉलर पर, क्योंकि ये ऊपर दिखाई देती हैं। ठीक इसी तरीके से हमें इसे भी सेट करना है। और फिर हल्की सी मशीन को पीछे ले जा करके फिर आगे शुरू करें। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जो जॉइंट है ना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं कि कफ आगे निकल जाए या पीछे चले जाए। बड़ी फिनिशिंग से आपको इस काम को करना है, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं भी कोई धागा निकल रहा हो उसको तुरंत काट दें। इसी तरीके से हमें दूसरा कफ चढ़ाना है, इस पर भी हम निशान लगाएंगे। पेंसिल से आप निशान लगाएंगे, मैं पेन से लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। इसको कभी भी ऐसे मोड़ करके फोल्ड करके जैसे हम इसको रखते हैं ना, इस तरीके से कभी ना करें। इसको बिल्कुल खोल के फिर आपको चढ़ाना है इस पे कफ।
सेंटर का बिल्कुल ध्यान रखें। इस तरीके से बिल्कुल बराबर रख के फिर सिलाई शुरू करें इस पर। ऐसी जगहों पर मशीन को धीरे चलाना, तेज चलाने से बिगड़ जाती है सिलाई। कहीं भी फिनिशिंग का काम होता है वहाँ मशीन को धीरे चलाकर ही किया जाता है। यह हमारा कफ चढ़ गया है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसका कॉलर चढ़ाते हैं। कॉलर पर भी हमें सेम उसी तरीके से निशान लगाना है यहाँ पे, जैसे कफ पे लगाया था। इसका हमने सेंटर पहले कर रखा है। इसकी जो एक साइड में पट्टी तो हमने बना दी थी, एक साइड में हमने पट्टी बनाई थी, दूसरी साइड में प्लेन है, तो इस जगह को फोल्ड करके एक सिलाई हमें यहाँ लगानी है जो बाद में खुल जाएगी। एक यहाँ लगा लें और एक नीचे लगा लें इसी तरीके से। नीचे चाहे तो आप नीचे लगा सकते हैं सिलाई। इसका जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें काटना है। उसके बाद इसका हम सेंटर कर लेंगे, शोल्डर का जॉइंट मिला के इस तरीके से। और यहाँ एक कट लगा देंगे। ये और ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम कॉलर को ऐसे रख के और इसका हाफ हिस्सा हम इसको चेक करेंगे कि कहीं ये छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा है। ये 1/4 इंची छोटा आ रहा है, नीचे का हिस्सा 1/4 इंची छोटा है। हमेशा हम इसको छोटा ही काटते हैं, क्योंकि अगर बड़ा काट देंगे तो छोटा नहीं हो सकता,
छोटे को हम बड़ा कर सकते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा खार देंगे इस कॉलर को अब, ताकि ये बराबर आ जाए। तो उसको खारने के लिए हमें बिल्कुल ये मिलाकर रखना होगा, ये इस तरीके से आप इसको बिछा लें। और यहाँ से इतना सा, अगर आपका कलर 1.25 इंची बड़ा हो रहा है तो इतना सा इसको काटेंगे सिर्फ इस तरीके से, और गोलाई का ध्यान रखते हुए इस तरीके से इसको काट देंगे हम हल्का सा। इसको यहाँ से हम नीचे से नहीं काटेंगे, सिर्फ यहीं इसको घुमा करके काट देंगे। अब फिर दोबारा हम इसको नापेंगे, अब ये बिल्कुल बराबर आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें कभी नम नहीं आना चाहिए, ये खींच के चढ़ेगा, मतलब जहाँ तक हो सके बराबर चढ़ा दें, वरना थोड़ा सा अगर खींच के चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा चढ़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, कॉलर उल्टा सीधा ना चढ़े, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये हमारा सीधा है और कॉलर ऐसे आता है, इस तरीके से आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पल्ला सीधा है और ये शर्ट के ऊपर इस तरीके से आएगा, तो हमें इस तरीके से इसको चढ़ाना है। अगर हमने उसको उल्टा चढ़ा दिया तो फिर उल्टा वाला जो कॉलर का साइज़ है वो सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल कफ की तरह चढ़ेगा, जैसे हमने कफ को बिल्कुल बराबर, यहाँ से बिल्कुल बराबर मिलाया था, इसमें भी हमने जगह छोड़ी है मशीन के लिए थोड़ी सी, इनको मिला करके और इस तरीके से सिलाई मारेंगे। और जो हमने कुटका लगाया है सेंटर का, वो सेंटर के कुटके से, और इस कुटके को हमें मिलाना है, ये जो कुटके हमने लगाया है इसको मिलाना है। बिल्कुल निशान के एक तार अंदर ही सिलाई मारेंगे, निशान से एक तार अंदर। ये देखिए, ये बिल्कुल कुटके पर मिल रहा है दोनों साइड। कुटके में अगर फ़र्क आ गया आगे पीछे का, तो कॉलर सही नहीं चढ़ पाएगा, एक तरफ से छोटा हो जाएगा, एक तरफ से बड़ा हो जाएगा उसका हाला, जो गला है आधा, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। ये हमने इसका जो कॉलर है इसको हमने चढ़ा लिया है, ये आपको दिखा देता हूँ मैं इसको, इसका बिल्कुल जो हमने कुटके लगाए थे दो, और दोनों आपस में मिले हुए हैं, और ये जो सिलाई का जो निशान लगाया था इसके ऊपर हमने सिलाई लगाई है, नीचे कभी मत लगाना। अब हम इसको कफ की तरह ही
इस तरीके से इसको अंदर ले लेंगे, यहाँ कपड़े को पूरा अंदर डाल के और ऊपर से ध्यान से इसको बिल्कुल बराबर रख के सिलाई मारेंगे। फिर उसके ऊपर ये किनारे पर हमें सिलाई लेनी है। फिर उसी तरीके से इसको जैसे हमने वो साइड बनाई थी इसी तरीके से इसका फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए हमें इसको सिलाई मारनी है। जो एंडिंग पर विशेष ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। कपड़े को ऐसे नीचे रखें, क्योंकि ऊपर नहीं रहना चाहिए कपड़ा। इस तरीके से रखें बिल्कुल। ये देखिए, ये हमारी सिलाई है। जब हम इस पे जो पेन का निशान लगाते हैं उसकी वजह से बिल्कुल नीचे जो सिलाई आएगी बिल्कुल उसके जड़ में आएगी, इसका ध्यान रखें। इसलिए हम इसलिए सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई हम निकाल सकते हैं, ये जो हमने यहाँ लगाई थी, ये जो यहाँ सिलाई लगाई थी। अब हमें इसकी घेर की सिलाई मारनी है बस। घेर में हम पहले आधा पैर की सिलाई मारेंगे। उससे पहले हमें इसको नाप लेना है बिल्कुल ऊपर से ऐसे बिल्कुल मिलाकर, और इसकी लंबाई को नाप लेना है कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस जगह पर हम पट्टी चिपकाते हैं वो कई बार थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब ये हल्का सा एक सूत ये छोटा हो गया है, क्योंकि इसमें पट्टी चिपकाई है और सिलाई मारी है इस वजह से, तो हम इसको बराबर काट लेंगे। अब हमें इस पे आधा पैर की सिलाई एक फोल्ड करके मारनी है। चुटकी को इस ढंग से रखेंगे तो अपने आप ये फोल्ड होता चला जाएगा। जहाँ गोलाई आती है वहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा इस तरीके से।
इसके बाद हम इसको फोल्ड करके एक किनारे की सिलाई मार देंगे। प्रैक्टिस होने के बाद हम एक ही सिलाई में इस पूरे घेर को बना सकते हैं। सिलाई एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक सिलाई करें, पाइपिंग की तरह मोड़ें इसको। ये हमारी घेर की सिलाई हो गई है। अब हमें इसकी जो पीछे हमने डट्स के निशान लगाए थे, हम उस पर भी सिलाई मार देंगे। ये हमारे डट्स के निशान हैं। इधर बिल्कुल आपको किनारी से लेना है और ये सेंटर है, इसमें थोड़ा सा ही आपको मैं बताता हूँ आपको कितना गहराई आपको इस तरीके से डट मारनी है। ये बिल्कुल यहाँ पेड़ पैर से ऊपर ना जाए, ज़्यादा गहरी डालने नहीं डाली जाती है डट, इतनी ही डालना है। एक निशान हमारा यहाँ है, ये इस साइड का। ये हमारी जो शर्ट है ये तैयार हो गई है। अभी हमें इसमें बस काज बटन करने हैं और इसकी फिनिशिंग प्रेस वगैरह करनी है। ये इसका हमने कॉलर चढ़ा दिया है। कॉलर ये सामने का हिस्सा है, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सिलाई बिल्कुल ऐसे जड़ में आनी चाहिए, ये जो नीचे आई है। जब हम निशान लगा देंगे तो उसके बाद बिल्कुल सही सिलाई आएगी, बिना निशान के सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है तो नीचे से वो फिनिशिंग ख़राब हो जाती है उसकी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।